पानी पानी। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में भारी बारिश हो रही, एक बार फिर से तबाही मच गई। शहर के इलाके ऐसे हैं जहां पर कई जगह पर जलभराव के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इतना ही नहीं, 210 करोड़ रुपए की लागत से हाल ही में बना है ये स्टेडियम माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी बाउंड्री वॉल अचानक गिर गई। स्टेडियम की पार्किंग लबालब पानी भरने के बाद पानी ग्राउंड में घुस चुका है। 2 महीने पहले ये स्टेडियम का बकायदा शुभारंभ हुआ और आगामी 6 अक्टूबर को माधवराव सिंधिया स्टेडियम में इंडिया बांग्लादेश के बीच T20 इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जब बाउंड्री वॉल अचानक से नीचे गिर गई। तो माधवराव सिंधिया स्टेडियम 6 अक्टूबर को इंडिया बांग्लादेश के बीच T20 इंटरनेशनल मैच होगा, लेकिन मैच के लिए जिस तरह की टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आई जहां लगभग पानी भरा हुआ है। तो हाल ही में 17 सितंबर को 800 स्टूडेंट ने अपने टिकट बुक कराए और एक के बाद एक लोग टिकट बुक करा रहे हैं, लेकिन इसके पहले ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जब मैच होगा उसके पहले पूरी तरह से त्राही माप मचा हुआ है। और हाल ही में अभी इसका उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, और इसके बाद इस तरह की स्थितियां कैसे बन गई, फिलहाल कई तरह के सवाल बने हुए हैं। तो लगातार ग्वालियर में बारिश हो रही है, 3 दिन से इसी तरह से बारिश हो रही है और जनजीवन बुरी तरह से, एक तरफ तो अस्त व्यस्त है, कई जगह तो मकान गिर गए और दूसरी तरफ क्रिकेट स्टेडियम माधवराव सिंधिया स्टेडियम जहां पर मैच होना है T20 इंटरनेशनल मैच 6 अक्टूबर को, और उस बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं जब मैच से पहले त्राही माम मचा हुआ। इंडिया बांग्लादेश के बीच मैच होने के पहले की तस्वीरें हैं, हालांकि निरीक्षण करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से स्टेडियम में पानी भर चुका है। एक तरफ की जो बाउंड्री वॉल है वो गिर चुकी है। तो भारत बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को T20 मुकाबला होना है और इस बीच एक तरफ तो टिकट की जो बिक्री है वो लगातार हो रही है, टिकट की जो कीमतें हैं वो लगातार आसमान छू रही हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का आलम ग्वालियर में बना हुआ है। हालांकि अब देखना होगा, 2 महीने पहले ही स्टेडियम का शुभारंभ हुआ लेकिन इसके बाद हालात इस तरह से हैं, कई तरह के सवालिया निशान भी लग रहे हैं कि आखिरकार शुभारंभ हुआ और इसका जो निर्माण हुआ था वो इसकी गुणवत्ता कितनी रही होगी जिस वजह से इसकी दीवार गिर गई। और दीवार गिरने के बाद हालांकि अब अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, मौका मुआयना किया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार ये धांधली हुई कैसे, कि नव निर्माण हुआ 2 महीने महज हुए और 2 महीने में अगर पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, तो क्या इतनी बारिश हो गई जिसकी वजह से ये नव नवेली जो दीवार थी वो गिर गई। तो 2 महीने पहले स्टेडियम का शुभारंभ हुआ और इस बीच ये तस्वीरें सामने आई जब पूरी तरह से स्टेडियम लबालब पानी से भरा हुआ है। आने वाले समय में देखना होगा किस तरह से इसे ठीक किया जाता है और पानी निकालने का क्या इंतजाम किया जाता है, हालांकि सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल। जावेद खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। जावेद, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कोई अधिकारी पहुंचा, पानी कितना गिर गया और बाउंड्री वॉल कैसे आखिरकार टूट गई, इसका भी जरूर सवाल जो है वो होना चाहिए। ग्वालियर का माधवराव सिंधिया के नाम पर शंकरपुर जो नई जगह है साडा क्षेत्र में वहां बनाया गया है और इस नए स्टेडियम का भी 2 महीने पहले ही उद्घाटन हुआ था। इसमें MPL मैच हुआ था और इसमें ICC के जो अध्यक्ष हैं जयंत सावी पहुंचे थे, महारिमन सिंधिया जो सिंधिया जी के बेटे हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब 6 अक्टूबर को चूंकि भारत और बांग्लादेश के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच होने वाला है, उसकी तैयारियां अंतिम दौर पर हो रही थी और आज उसके पहले ही जो रात में आज तेज बारिश हुई है और बारिश के बाद जो वहां पास में नाला बहता है उस नाले की वजह से जो प्रेशर बना है उसकी वजह से दीवार जो पिछले हिस्से की है स्टेडियम की वो ढह गई है, 40 से 50 फीट तक दीवार ढह गई है, जिसकी वजह से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जो MPC है और ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो इस समय यहाँ पर अभी बैठक कर रहे हैं। जहां मैं स्टेडियम के पास हूँ वो अंदर उनकी अंदरूनी तौर पर बैठक चल रही है और उसमें बैठक में आखिर इसकी रणनीति तय की जा रही है कि आखिर स्टेडियम की सुरक्षा के साथ साथ जो दीवार का निर्माण है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अभी विमानतल पर ग्वालियर पहुंच चुके हैं दिल्ली से और वहां से वो संभवतः स्टेडियम पर जो अभी देखने आने वाले हैं उसका मौका मुआयना करेंगे और उसके बाद यहां पर एक अहम बैठक
जो दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में एमपीसीए की यानी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों उनके सीईओ के साथ एक निजी होटल रेडिसन में रखी गई है, जहां पर जो मैच से संबंधित पूरी तैयारियां और उसकी जो रणनीति है उसको लेकर, टिकटों के वितरण को लेकर, ऑनलाइन जो टिकटिंग की व्यवस्था की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और जो मौजूदा हालात उत्पन्न हुए हैं, जो बारिश के कारण जो स्थिति निर्मित हुई है, उन सब चीजों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। और जो बैठक है वो बहुत अहम मानी जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिराय सिंधिया और जो उनके बेटे महान अरमन सिंधिया जो कि जीडीसीए के उपाध्यक्ष हैं, और अभी प्रशांत मेहता और उनकी टीम यहाँ पर अभी बैठ के स्टेडियम के परिसर में ही यहाँ पर बैठक कर रही है, क्योंकि जो बैठक है उसकी तैयारी के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है और उसमें ज्योतिराय सिंधिया शामिल होंगे। उससे पहले जो यहाँ के एमपीसीए और जीडीसीए बिल्कुल बैठक की तैयारी, उस बैठक के बाद देखना होगा क्या दिशा निर्देश मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जानकारी के लिए।